आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, which one of the following represents smallest quantity? हमें यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। यहाँ पर जो फर्स्ट गिवन है, इट इज 1850 mg। ये जो स्मॉल mg है, ये किसके इक्विवेलेंट है? यहाँ पर हमें क्या गिवन है, mg, ग्राम, माइक्रोग्राम, किलोग्राम। तो हम सबकी यूनिट्स कॉमन रखेंगे एंड देन हम बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर हम मिलीग्राम को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। तो 1 मिलीग्राम जो होता है, 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट होता है 10^-3 ग्राम। ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को अगर हमें चेंज करना है 2 ग्राम, तो हमें ग्राम यूनिट ऊपर रखनी है। 10^-3 ग्राम ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 1 मिलीग्राम, जो कि 1 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर 1850 जो है, 1850 मिलीग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 1। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1850 मिलीग्राम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 10^-3 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मिलीग्राम। तो यहाँ पर जो मिलीग्राम यूनिट है कैंसिल आउट हो जाएगी एंड हमें ग्राम में यूनिट मिल जाएगी। इस तरह से मिलेगा 1850 × 10^-3 ग्राम। नेगेटिव में यहाँ पर हमारे पास पावर है, तो अगर हम यहाँ पर जो डेसिमल है पॉइंट ऐसे 1, 2, 3 शिफ्ट करें तो ये पावर यूज हो जाएगी, बिकॉज ये क्या है, 1850 डिवाइडेड बाय 10^3 है एंड 1850 डिवाइडेड बाय 1000 है। तो इसे हम यहाँ पर अगर लगाए तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1.85। तो 1.85 ग्राम हमारे पास वैल्यू आ गई। इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम, 1850 × 10^-3 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आई है। नेक्स्ट इज ग्राम में ये 1.85 × 10^-4 ग्राम है। नेक्स्ट इज 1.85 × 10^3 माइक्रोग्राम। 1.85 × 10^3 माइक्रोग्राम। अब हम इसका भी कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे। तो 1 माइक्रोग्राम जो है, दैट इज इक्वल टू माइक्रो के लिए 10^-6 यहाँ पर इस तरह से यूज होगा। तो अब इसके लिए हम जब यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे 1.85 × 10^3 के लिए जो कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर रखेंगे यूनिट, यहाँ में माइक्रोग्राम कैंसल आउट करनी है, ऊपर हम यूनिट रखेंगे 10^-6 ग्राम एंड नीचे रखेंगे 1 माइक्रोग्राम। तो इस तरह से क्या होगा, जो यूनिट है माइक्रोग्राम कैंसल आउट हो जाएगी, हमें ग्राम में यूनिट मिलेगी। यहाँ पर 1.85 तो है, बट यहाँ पर 10^3 है एंड -6 है। अब यहाँ पर जब भी यहाँ पर बेस जो है वो सेम होगा एंड जो पावर है इस तरह से, तो ये क्या होंगी, एड हो जाएंगे, तो m प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस तरह से होगा 3 + -6। अब 3 + -6 है 1.85 इंटू 3 + -6 है, तो 10^3 आ जाएगा 3 - 6। 3 - 6 = -3। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 1.85 × 10^-3 ग्राम। अब नेक्स्ट जो गिवन है, इट इज 1.85 × 10^-6 किलोग्राम। 1.85 × 10^-6 किलोग्राम, इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है 1 kg = 10^3 ग्राम। ये रिलेशन होता है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1.85 × 10^-6 किलोग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट हमें जो कैंसिल आउट करनी है उसे नीचे लेंगे, तो 1 किलोग्राम नीचे आ गया, 10^3 ग्राम ऊपर आ गया। यहाँ पर किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.85 × 10^-6 + 3 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 1.85 × 10^3 ग्राम। तो यहाँ पर आ गया 1.85 × 10^3 ग्राम आया। अब यहाँ पर हमारे पास 1.85 वैल्यू है, यहाँ पर 10^ में नेगेटिव में है, तो ये वाली लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, तो ये वाला जो ऑप्शन है कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम है, 10^-3 है, बट यहाँ पर 10^-4 है, यहाँ पर नेगेटिव में 10^ वैल्यू ज्यादा है, देयरफोर इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, देयरफोर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।